एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक चौधरी जोगिंदरपाल गोरसी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे। उनां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उनां दे समूह परिवार वालों एलिडको अस्टेट क्लब जीटी रोड लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वालों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। जोगिंदरपाल गोरसी चिता जन्म पिंड टोरोवाल विखे पिता श्री संत राम जी दे घर माता मनसो देवी जी दी कुखों सन 1938 विच होया। आप जी घर विच सारे भैण भरावां तों वड्डे सन अते आप जी तों छोटे चार भरा श्री ज्ञान चंद जी, श्री लाल चंद जी, श्री दर्शन लाल जी अते श्री महिंदर पाल जी सन अते आप जी दी एक भैण भी सी श्रीमती शंकरी देवी। आप जी बचपन तों ही बहुत ही वधिया जुस्से वाले उच्चे लम्मे इंसान सन अते बहुत ही मेहनती सन। आप जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत, लगन, ईमानदारी अते तनदेही नाल करिया करदे सन। इन्हां ही गुणां कारण आप जी ने अपने बिजनेस विच बहुत ही उन्नति हासिल कीती। Oh,
ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਮੀਲੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨਲਤਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਭੁੰਬਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਰਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨੀਲਮ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਰਜੁਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ FCI ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਸੈਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੌਜਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁੱਜਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। आत्मा के प्रति एक श्रद्धा भाव और परिवार के प्रति एक सहानुभूति लेकर यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। तो कहते हैं कि इस संसार की जो परंपरा है
उसी को पूर्ण रूप से जो श्वास मिले हैं उनका सदुपयोग करती हुई आत्मा हम सबके बीच से जो बिछड़ी हुई हमारे बहुत ही सत्कार जो नम्रता की मूर्ति त्याग की मूर्ति हमारे सुरेंद्र सिंह जी गौर सिंह और उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले और एक जिसको संतान कहते हैं जिसको सपुत्र कहते हैं और उन्हीं का ही रूप उन्हीं की ही ज्योति हमारे पवन कुमार विजय कुमार जी गौर सिंह। तो आइए कि इस जीवन का सार क्या है, कभी ध्यान देना कि ये हमारे लिए एक सूचना, ये हमारे लिए एक रास्ता, ये हमारे लिए एक प्रेरणा कहाँ मिलती है कि जब हम इस समय एकत्रित होते हैं। कहते जीवन का प्रभाव भी इस समय ही पता चलता है कि जितना समय यहाँ निकाला है तो वो किस ढंग से निकाला है तो उसका प्रमाण भी अब सभी के मुंह में देखने को मिलता है। जो जाने कि देखिए जीना कैसे है। अब हम चौधरी जी के जीवन से एक शिक्षा लेते हैं कि जैसी मृत्यु चौधरी जी की हुई है, कहती है कि कोई बिरले संत की ऐसी मृत्यु होती है कि अंत समय भी कोई ऐसी संकल्प कोई ऐसा विकल्प नहीं कि केवल प्रभु का नाम ही उनके अंत समय का एक आधार बना। तो ऐसी आत्मा को हम कैसी आत्मा कहते हैं कि आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कहते जो संसार में प्राणी आया है उसको एक दिन जाना है, ये निश्चित है कि यहाँ पर किसी ने रहना नहीं। लेकिन इस समय आप सबकी दशा क्या है कि वो दशा है कि जो इस समय कि आप सभी के मन के ऊपर कबीर दास जी का आसन है। तो आप कहेंगे इस समय कबीर दास जी का आसन क्यों है, क्योंकि कबीर दास जी की एक पहचान थी कि जब किसी ने कबीर दास जी की पहचान सोचना होता था कि हमने कबीर दास जी को मिलना है तो उनके मिलने की एक पहचान थी। वो पहचान क्या थी कि इस समय एक भगत कबीर दास जी के घर में कबीर दास जी को मिलने के लिए गए तो लोई माता से पूछा कि कबीर दास जी कहाँ। तो लोई माता ने कहा कि उनके जीवन की एक परंपरा थी कि जहाँ भी किसी मृत्यु पर कोई भी जाता होता था तो वहां पर कबीर दास जी सबसे पहले पहुंचते थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी लोगों के भीतर मैं कबीर दास जी को कैसे पहचानूं। तो माता लोई ने कहा कि अगर पहचानना है तो उस समय उनकी एक ही निशानी है। वो निशानी क्या है कि उस उनके सिर पर एक चक्कर मंडराता हुआ दिखाई देगा। तो आप माँ लोई ने उनको एक दिव्या दृष्टि दी तो वहां पहुंच गई जहां मरगट थी। तो मरगट में क्या देखती है कि वहां पर सभी के लोगों के सिर पर चक्कर घूम रहा है। तो उसी समय वो भगत उदास हो गया कि मेरे को कबीर दास जी के दर्शन नहीं होंगे।
जैसे ही मृत्यु घट से बाहर निकले तो काफी लोगों के सिर से चक्कर गायब हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े और गायब हो गया। जब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक प्राणी ऐसा था कि जिसके सिर पर अभी भी चक्कर मंडरा रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के, बाबा आपका नाम कबीरदास है? कहते हाँ मेरा नाम कबीरदास है। कहते मैं जो अपना प्रश्न लेकर आया था वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मेरे मन के अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ है पहले मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। कहते आपका क्या प्रश्न है? कहते माता लोई ने एक पहचान बताई थी कि जिसके सिर पर चक्कर घूमता होगा वही मेरा पति कबीरदास जी होगा। किंतु जिस समय मैं मरकट में आया था उस समय सभी के सिर पर चक्कर घूम रहा था, लेकिन अब केवल आपके सिर पर चक्कर है, इसका कारण क्या है? ये चक्कर क्या है? ये पहचान क्या है? ये मुझे कृपा करके बताइए। तो कबीरदास जी ने कहा कि जिस समय घर से सभी निकले थे सभी के सिर पर मौत का चक्कर घूम रहा था, सभी के हृदय में ये एक भाव था कि जैसे ये आया है एक दिन हमने भी यहाँ आना है, जैसे इसकी चिता जली है एक दिन हमारी भी जलेगी, आज के बाद हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। जब जहाँ आना है तो उसके लिए बुरा कर्म क्यों करें? जब जहाँ आना है तो किसी के साथ राग द्वेष क्यों करें? जब जहाँ आना है तो पाप क्यों करें? क्योंकि जैसे ही वो मरकट के बाहर आए किसी को दुकान याद आ गई, किसी को घर बार याद आ गया, किसी को परिवार याद आ गया, सभी टिक टिक करती हुई घड़ी को देखना शुरू कर दिया, तो इसलिए सभी मौत को भूल। किंतु मौत जिसको याद है वो क्या करेंगे और वो क्या कहेंगे? दो बातन को भूल मत, ये चाहे कल्याण नारायण इक मौत को तुझे श्री भगवान। अगर जीवन में श्रृंगार पहनना है, यदि जीवन में आप कुछ याद रखना है तो दो बात कभी मत भूलना, दुकान पर जाते हुए भी राम का नाम लेना और घर बैठे भी राम का नाम लेना, और साथ साथ में याद रखना जब कोई कर्म करो कि हे प्रभु मैं ऐसा कर्म ना करूं कि जिसके बाद मुझे पश्चाताप करना पड़े। तो हमारे जोगिंदर जी कैसे थे? हमारे जोगिंदर जी ने ये दोनों बातों को याद किया हुआ था कि उन्होंने मौत को भी याद रखा, क्योंकि मैं 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को हमने फोन किया बेटे को कि शिवरात्रि के पर के उपलक्ष में कि हर शिवरात्रि को जो भंडारा होता है वो इसी जोगिंदर जी की तरफ से ही आश्रम में होता है। काफी साल, ये नहीं कि अब कम से कम मेरे ख्याल 10-15 साल से लगातार शिवरात्रि का भंडारा जोगिंदर के परिवार की तरफ से ही चलता है। अचानक तबीयत खराब होने के कारण मैं हॉस्पिटल में चली गई, तो मैंने फोन हॉस्पिटल से किया तो बेटी सुमन ने उसी समय सारा अरेंज करके हमारे पवन जी या उनके हाथ सारा सामान भेजा और रात को भंडारा खूब चला। तो 12 तारीख को शिवरात्रि के कारण सभी को निंद्रा आई हुई थी क्योंकि 4 पहर की पूजा चलती है। तो जब 13 तारीख को ये घटना सुनी तो मन को बहुत अच्छा लगा।
कि 11 तारीख को बिल्कुल ठीक ठाक 12 तारीख को इलेक्शन लिया और 13 तारीख को चल विदा हुआ। तो जो ऐसी आत्मा है कि एक दिन भगवान शिव का भंडारा पहले करती है तो उसके लिए वैकुंठ तैयार है या नहीं। लेकिन पीछे बच्चे भी कहते कि वो बच्चे भी उन्हीं का ही रूप होते हैं। देखो पुण्य जन्मों का संस्कार कहाँ प्रकट होता है। यदि जीवन में पुण्य किया है, यदि जीवन में कोई पाप नहीं किया तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है। उसका प्रभाव उसकी संतान के ऊपर पड़ता है। इसलिए संतान भी बहुत अच्छी और हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर और गुरु महाराज जी के आगे अरदास करते हुए दिवंगत आत्मा के प्रति एक शांति का भाव लेते हुए और गुरु महाराज जी के हुक्मनामे के अनुसार हम 3 बार उच्चारण करेंगे, ओम शांति शांति शांति। इस मौके ते समूह संगतां वल्लों परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती करन उपरंत पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। पांडा हसा सोए जो तिस बाबसी, पांडा अब्द कदीन तोता हसा ना होए सी। पांडा अधमनी पांडा हसा सोए जो तिस बाबसी, पांडा अधमनी तोता हसा ना होए सी। गुरु दबारे होए सोची पाए सी, ए तू दुबारे तोए हशा होए सी। मैंने हशे का विचार आप बरताए सी, मत को जाने जाए अगे पाए सी। जे हे कर्म कमाए ते हा होए सी, अमृत हर का नाम आप बरताए सी। चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा बाए सी, मानस क्या बेचारा तेह लोक सुनाए सी। नानक आप निहाल सब कुल तार सी, चलिया पत स्यों जन्म सवा वाजा बाए सी। मानस क्या बेचारा तेह लोक सुनाए सी, नानक आप निहाद सब कुल तार सी। वाहिगुरु जी का खालसा। इस मौके वड्डी गिनती विच उच्च सख्शेता ने शिरकत कीती अते कुछ सख्शेता वल्लों उन्हां नूं शरदा दे फुल पेंट कीते। साडे भाई जगिंदरपाल जी बहुत ही हसमुख, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही ठंडे सुभाव दे मालक सन, बहुत अच्छी शख्सियत सन। जिस तरह मालिक ने उन्होंने बख्शिश की, अच्छे परिवार जन्म दिता, अच्छे नकल मालिक ने बख्शिश की उन्होंने, अच्छे परिवार अच्छे भरावान ने बख्शिश की, उस बाद अच्छे रिश्तेदार, इन्नी लड़कियां बहुत ही अच्छे परिवार गई, लड़के नूं भी नामवर परिवारों के इन्हों के रिश्ते हुए, ये उन्होंने कर्म से। उन्होंने दसा महानी किरत करके मेहनत करके अपने परिवार का जिथे मुलांपुर नाम कमाया, उसे लुधियाने आके
लोगों के मन में बस गया। साढ़े नाल साड़ी सभा नाल बहुत उन्हों का लगाव रहा, समाज सेवा च उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा पाया। चौधरी जोगिंदर पाल गोरसी जी यह जी शख्सियत के मालिक से, तुसी सारे इत्थे रिश्तेदार सज्जन मित्र सारे बहुत भोली पांत उन्होंने दी शख्सियत जाणू सन। मैनू उन्हां नाल मिलण दा मौका, मैं इत्थे ACP ईस्ट लग्या होया सी, वो मैनू बिना किसी काम तो मिलन आए। जिहड़ी चीज साडे समाज की एक पहचान है, वो चीज़ मैं उन्हां दे विच देखी, उन्हां दे विच मैं वो क्वालिटी देखी, उन्हां इक तांग सी मैनू बतौर बरादरी का रिश्तेदार अफसर समझ के वो मैनू मिलन आए, और हर हफ्ते 10 दिन बाद मिलते सीगे। बड़े मिठ बोलने निके सुभा मालिक, जिमें कि खेपड़ साहब ने दसिया कि उन्होंने जिहा जिहा कि साडा इलाका है कितने उन्होंने जन्म लैके किमें दसां नौहां की कमाई की और किस मुकाम उन्होंने हासिल किया, खास तौर पर बरादरी के कि अच्छ गुजर समाज सभा के खेपड़ साहब ने दसिया कि वह वाइस प्रधान ने। मैनू कल कमल भुंडला जी का फोन आया, कहते जी कल तुम 12 से 2 हाजरी लगी। मैं पता नहीं सी, मैं जी की गल, तद इन्होंने दसिया मैं एकदम सुन के बड़ा धक्का लगे। बड़ी अच्छी सेहत उन्होंने, उन्होंने सारा चेहरा वो मेरे जो इन्होंने दसिया एकदम सारी रील घूम गई। चौधरी साहब ने किस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को चंगी सिक्ख्या देके और किहो जिहे बरादरी के नामवर परिवारों के विच रिश्तेदारी की उन्होंने। कमल भुंडला जी को मैं जानता है, साढ़े मेरे छोटे वीर राजकुमार जी को मैं पता ही नहीं सी, मतलब देखो किहो जिहे परिवार ने। तीसरी बेटी शायद आजम पर मैं पता लग्या, वो तो मेरा ही गोद भाई है, अगला परिवार बड़ा अच्छे परिवार। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इन्नी गल कहनी चाहता भी चौधरी साहब बारे जिन्ना क आपां वर्णन कर सकते हैं वो घट है। शब्दों के विच मैं उन्होंने शख्सियत को किवें प्रगट करा, मेरे को लफ्ज नहीं है। उन्होंने जान की जिहड़ी घाट है, परिवार को तो घाट है ही है, समाज को बड़ी वड्डी घाट है। SI बंसी लाल जी साडे बहुत सत्कारयोग थानेदार, लवली चौधरी मुलांपुर तो, ACP राजकुमार जी राज चौधरी तो हो ही गया, बलबीर चंद कौंसलर मुलांपुर चौधरी, मदन लाल जी बग्गा पाके चले गए, उन्हों का भी धन्यवाद। अश्विनी पासी जी साढ़े सीनियर लीडर अकाली दल के बैठे हैं, इन्हों देवे माफी इन्हों को भी। रणजीत सिंह जी ढिलों SML आके गए हैं, उन्हों का भी धन्यवाद। मैं हूँ बेनती करांगा साढ़े समाज के बहुत ही हत्याशी बहुत ही सीनियर लीडर साढ़े कांग्रेस के, सानू माण है इन्हों का, इन्होंने इन्होंने अरजेश पायलट जी का बहुत साथ दिता, उन्होंने ना रेंदे सी उन्होंने, वो इन्होंने घर भी आया करते, साढ़े लिए बहुत माण वाली गल है कि साढ़े वो शामिल होए। और मैं बेनती करा कृष्ण कुमार बाबा 2 मिनट लिए अपने विचार। गुरु महाराज की हजूरी में साढ़े बहुत ही प्यारे सत्कारयोग चौधरी जोगिंदर पाल जी की अंतम अरदास शामिल होने एकत्र हुई सारी संगत, वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया से इंसान आता है तो चलिया जाता है,
पर जो इंसान जो परिवार समाज की सेवा करते हुए सच्ची सुची किरत करते हुए इस समाज विचरते ने उन्होंने हमेशा लिए याद रखा जाता। मैं बलबीर जी के नाल असि बैठे विचारा कर रहे थे कि वो समा क्योंकि साडा चौधरी जोगिंदरपाल जी लाली जी दर्शन जी फौजी साहब ते सारे परिवार का सारे भरावान के नाल क्योंकि असी भी 1972 दे विच फाटकां दे कोले दुकान पाई उत्थे नाल लाली होना ने इन्हां दी हलवाई दी दुकान सी ते समझ लो भी असी 24 घंटे दर्शन असी सारे इकट्ठे रहिंदे सी ते मैनू वो समा याद है चौधरी जोगिंदरपाल जी ते लाली जी ये दोनों भरावां ने अंदर सिर जोड़ के बैठना जिथे परिवार दियां ते व्यापारक इन्हां दियां सांझां इन्हां दा आपसी प्यार असी कहना देखो प्यार होवे तां ऐसा हो। एक मिसाल पंजो भरा सच्ची सुची किरत करते हो तुसी ये देखो जोगिंदरपाल किसी स्कूल कॉलेज तो नहीं गए पर स्कूल कॉलेज वाले नालों उत्ते उन्हां दी बुद्धि उन्हां दी सोच उन्हां दा दायरा उन्होंने जो व्यापार किया उन्होंने मैं समझा बुलंदियां ते पहुंचे। ये किसी किसी ते एडी वड्डी कोई लखां चो ऐसा इंसान होंदा जिते एडी वड्डी कृपा होंदी है कि इन्ना उन्हां दा दिमागी तौर ते इन्नी उन्हां दी सोच कि जोगिंदरपाल जी ने किड्डा वड्डा इत्थे अपनी राजधानी स्थापित की जब भी कितने उन्होंने मेल होना आज वो फोटो ते चेहरा दिखाई दे रहा आई चेहरा होंदा सी उन्होंने चेहरे ते मुस्कुराहट सी हमेशा खुश रहना हमेशा खुशियां वंडनियां ये किसी किसी के हिस्से आता है। मैं जब 2 दिन पहला मैं फोटो इतने मोबाइल से देखी तो 2-4 मिनट लई बड़े गमगीन होए कि वो समा अज मैं भी 63 साल का हो गया उदो मैं 14-15 साल का सी जब उस समय का भरावां का प्यार वो इंसान जिन्होंने किरत नूं ही अपना परमात्मा की भगती समझा अते सच्ची सुची किरत दे विच विश्वास रखा। इस मौके परिवारिक मैंबरां वल्लों आईयां होईयां समूह शख्सियतां दा अते समूह संगतां दा तहे दिल तों धन्नवाद कीता गया। अज असी सारे डैडी जी दी अंतम वार इकट्ठे होए आं रिश्तेदार मित्र सज्जन और जदों असी उन्हां दे जीवन नूं झात मारदे आं तां इक संपूर्ण जीवन जदों बच्चा पैदा हुंदा है कामना कीती जांदी है तंदुरुस्त होए अच्छा ज्ञान हासिल करे अच्छा साधन बनावे अच्छी गृहस्थी होवे ते फिर गृहस्थी तो बाद अच्छी औलाद होवे अच्छे रिश्तेदार मिल जान और ओ तो बाद तंदुरुस्त जीवन जींदे होए अपने परिवार से आशीर्वाद दिंदे होए इस दुनिया तो जश खटदे होए जाना हो जाए ये सारिया चीज़ा उन्होंने हासिल हुई हैं। सो मैं जिथे ये समझना अज असी उन्होंने अंतम अरदास वास्ते उन्होंने आत्मक शांति वास्ते इकट्ठे हुए हैं नाल ही नाल शुकराना उस परमात्मा का कि उन्होंने इन्ना सुचजा जीवन दिता और उन्होंने सानू आशीर्वाद हासिल होया। तुसी सारे ही अज साडे इस दुख दे विच क्योंकि घर दे विचों इहे जे शख्सता चले जाना जिहड़े सानू गाइड करदे आ जिन्होंने सानू परवरिश कीता है जिन्होंने सारिया यह नियामतां साडे वास्ते इकट्ठियां कीतियां हैं उन्होंने जान नाल जो घाटा पिया उहदे विच तुसी साडे नाल शरीक होए हो साडे नाल हादा नारा मारिया और सानू हौसला दिता है और मैं बेनती करदा सारे रिश्तेदार मित्र सज्जन जिस तरह तुसी पहला परिवार से अपना आशीर्वाद रखते रहे हो वो तो भी ज़्यादा बढ़ के
प्यार दिंदे रहोंगे ते साडे वालों थोड़ा सत्कार हुंदा रहेगा। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।